सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हो आप लोग? अभी हम लोग हैं इटौंजा के आगे और ये देखिए बच्चे आ रहे हैं। पर रोको यार, कौन सा एरिया है ये? गुदना। अभी मतलब एक बार बताओ, ये ट्रेन की पटरी बंद क्या कर दी गई है? बंद अभी नहीं करी गई। हाँ, आने वाली होती है बंद करी। अच्छा चलो ठीक। मोबाइल है तुम लोग पास? नहीं। कहाँ रहते हैं? गाँव में। गाँव में, गुदना में। चलो ठीक है। तो गाइस यहाँ पे कुछ देखने लायक तो नहीं है, बस थोड़ा सा सीन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। पड़ोस में ट्रेन की पटरी है और देख सकते हैं पूरी ये सीधी रोड जा चुकी है, जो कि काफी ज्यादा लंबी है, 2-3 किलोमीटर तक ये लंबी है। और ये प्लेटफॉर्म है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। काफी बच्चे यहाँ पे हाई स्पीड साइकिल चला रहे थे तो मजा आया, थोड़ी बहुत फोटो शूट भी कर ली है। और वेदर बहुत ही ज्यादा अच्छा है, देख सकते हैं धूप निकली नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बरसात का मौसम है, पानी बरस भी नहीं रहा है और काफी ज्यादा अच्छा लगा ये मौसम। ये देखिए सब बंद कर रखा है। तो अभी हम लोग हैं इटौंजा के आगे। ये कुछ ऐसा हाईवे है, ये हाईवे जो है ये डायरेक्ट दिल्ली से होते हुए आता है, जो कि लखनऊ की तरफ जाता है। हम लोग उसी हाईवे पर चल रहे हैं और ये हाईवे बहुत ही ज़्यादा शानदार है और काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। ये हाईवे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना हुआ है। A few moments later. तो आज देख सकते हैं, आज मैंने घर से ब्लॉग बनाना स्टार्ट करा है और सुबह के 8 बज रहे हैं और जैसा कि घर पर आप देख सकते हैं काम चल रहा है। ये जो दो कमरे थे उन्हें प्लास्टर होना था और बाहर की साइड जो रोड साइड था उस टाइप उधर भी प्लास्टर नहीं था, तो वो भी हो रहा है। घर पे काम चल रहा है, इसकी वजह से कहीं जा भी नहीं पाते हैं। और इस टाइम श्रेया की थोड़ा सा तबीयत ख़राब थी और उसकी वजह से भी नहीं कहीं जा पा रहा हूँ। और वैसे प्लान तो कर रखा है, बहुत अच्छी जगह। और आज का वेदर बहुत ज़्यादा अच्छा है, अब जो है बरसात नहीं हो रही है, अब धूप भी निकली होती है, बादल भी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा भी चलती है। और देख सकते हैं ये मेरे छत के ऊपर का नज़ारा है, एक पतंग पड़ी है गाइस, बच्चे लोग उड़ाते रहते हैं। ये देख सकते हैं छत के ऊपर का नज़ारा, काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू यहाँ से दिखता है मेरी छत से। आप देख सकते हैं पूरा, आई थिंक कितना सा छोटा सा एरिया दिखता है, काफ़ी दूर से दिखता है। घर बना हुआ है, एक दीवार है जिसमें मैं बहुत पहले लिखा हुआ करता था, मेरे भैया का नाम भी लिखा है। भैया ने मुझे 50 रुपये दिए थे अपना नाम लिखने के लिए। ये देखिए भैया का नाम भी लिखा हुआ है, बहुत पुराना टाइम हो चुका है, 10-15 साल हो चुके हैं। सो दोस्तों देख सकते हैं गणेश विसर्जन था, गणेश जी की मूर्ति भी आज गई थी और काफ़ी ज़्यादा मोहल्ले में शोर शराबा था और डांस खूब ज़्यादा हुआ। और मेरे घर के पड़ोस में मंदिर है, वहीं पर मूर्ति रखी हुई थी, तो आज विसर्जन के लिए गई थी और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो हे गाइस, अभी शाम के 10:30 बज रहे हैं और काफ़ी लेट में ब्लॉग बनाया था और दिन का बनाया था क्योंकि घर पे काम होता रहता तो टाइम नहीं मिल पाता ब्लॉग बनाने का। और डेली ब्लॉगिंग करना आसान भी नहीं होता, हर एक चीज़ को कन्विंस करना पड़ता है, जैसे वाइफ हो गया, मम्मी पापा को हो गया, तो थोड़ा सा कम्युनिकेशन अच्छा नहीं बन पाता है कि मैं बेहतरीन ढंग से मैं ब्लॉग घर पे बनाऊँ, क्योंकि घर का माहौल अच्छा होना भी डिपेंड करता है ब्लॉगिंग पर। तो कोई बात नहीं, इस चीज़ को इग्नोर करते हैं और दिन में काफ़ी ज़्यादा बिजी रहता हूँ और इसलिए ब्लॉगिंग नहीं हो पा रही है। और एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी चल रही थी और इस टाइम मतलब ये है कि ज़्यादा बाहर मम्मी पापा जाने नहीं देते हैं, वैसे प्लान तो कर रखा है और काफ़ी अच्छी ट्रिप रहेगी वो, और टाइम आने वाला है। और अभी श्रेया ने देखिए काढ़ा बनाया मेरे लिए, क्योंकि जुखाम बुखार भी रहता है और पता नहीं मेरे क्यों गाइस ये चीज़ नहीं पता चलती, मेरे 365 दिन में मतलब 300 दिन मेरे जुखाम ही रहता है, ऐसा क्यों होता है मुझे खुद नहीं समझ में आता। और जुखाम बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, कहीं जाओ तो सर दर्द होने लगता है, तो इसीलिए। और वैसे खाना पीना खा लिया है, खाना श्रेया ने बनाया था और अभी सब लोग खाना खा चुके हैं, मम्मी भी खा चुकी हैं, मम्मी लेटी हुई हैं, पापा भी फ़ोन चला रहे हैं और श्रेया जो है वो नहाने गई है, तो मिलवाते हैं। वो वीडियो में बहुत ही कम आती है क्योंकि इंटरेस्ट नहीं है ब्लॉगिंग पर, मैं बहुत फोर्स करता हूँ कि ब्लॉगिंग करा करो, कोशिश करा करो, मगर एक अंदर इंसान के अंदर डर होता है तो वो डर निकल नहीं पाता। वो बोलती कि मैं बाहर जाऊँगी तभी ब्लॉग बनाऊँगी, घर के अंदर समझ में नहीं आता क्या बनाए। अब जैसे मैं हूँ, मेरी तो आदत पड़ चुकी है, मुझे कोई शर्म वरम नहीं आती है, ये ब्लॉगिंग बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है और जिसको जो चीज़ पसंद होती है तो वो चीज़ शर्माता नहीं है, तो अच्छी चीज़ है। अभी आएगी तो मैं मिलवाऊंगा उससे भी। अरे आओ तो ये देखिए नहा के आ चुकी, मना करते कि रात में नहा मत करो क्योंकि इस टाइम मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है रात में, और जहाँ जितना मना गर्मी लगती रहती है, खाना बनाए गर्मी लगती है, ठीक है इसलिए नहाते हैं। अच्छा तो घर का खाना भी बनाती हैं इसलिए ठंडी,
मतलब लगती नहीं है, गर्म लगता है शरीर खाना बनाने के बाद, तो फौरन नहा लेती हैं मना करने के बावजूद भी, और तबीयत इनकी ख़राब रहती है। इसीलिए बोलता हूँ ज़्यादा नहाया मत करो रात में, क्योंकि रात में शरीर की बॉडी जो होता है टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो इनको मैं ब्लॉगिंग करने के लिए बोलता हूँ कि ब्लॉगिंग करा करो, तो ये श्रेया करती नहीं। पता नहीं इनको किस चीज़ की शर्म खाई जा रही है, शर्म कहा नहीं ब्लॉगिंग करती हो यार। ऐसा कुछ नहीं है, करना चाहते हैं बस टाइम नहीं मिल पाता। तो टाइम नहीं मिल पाता, बाकी सारा दिन जॉब पे मैं रहता हूँ, टाइम इनको नहीं मिल पाता, बल्कि घर पे खाली सोती हैं और कुछ नहीं। सुनिए, आप सिर्फ एक जगह बैठते हैं, हम लोगों को पूरा घर संभालना पड़ता है, ठीक है? अच्छा, लड़की औरत से पूछिए, पूरा घर को संभालना पड़ता है, सास ससुर को देखो, अपने आप को भी देखो, अभी बच्चे नहीं भी बच्चे भी देखने पड़ेंगे। आप वो जॉब से क्या कम होता है क्या घर संभालना? तो चलो कोई बात नहीं, और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं, और आने वाले टाइम में थोड़ा सा वक्त लगेगा, बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रिप हम लोगों ने प्लान कर रखी है, बस उसी दिन का वेट कर रहे हैं हम लोग, बस जल्दी से वो दिन आ जाए। और दिवाली में हो सकता है प्लान कर रखा है, काफी मेगा ट्रिप है वो, और कहीं आप लोगों को बताएंगे नहीं, वो सरप्राइज रहेगी। और उसके बाद भी बहुत अच्छी अच्छी ट्रिपें हो बुक कर रखी है, मतलब आई थिंक माइंड में है, और थोड़ा सा घर का माहौल है ना, इसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल पाते हैं, माइंड में बुक करके घर के माहौल से बाहर निकल नहीं पाते हैं, तभी व्लॉग कैरी नहीं कर पाता हूँ। हालांकि डेली व्लॉग करना का बहुत ज़्यादा शौक है, और उस हिसाब से माहौल नहीं बन पाता है। मैं कोशिश बहुत ज़्यादा करता हूँ, मगर फिर भी हाथ पे हाथ रख के बैठ जाता हूँ। और चलो कोई बात नहीं, उसके बाद इतना ही मैं बताना चाहता था कि एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन आपको मैं दे दूँ, और बस इतना आज के लिए इतना ही। अगर जो आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड मेरे वीडियो को लाइक एंड सपोर्ट कर दीजिएगा, और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि मैं भी सीतापुर का रहने वाला हूँ। सीतापुर से जो भी ब्लॉगर हैं, जो भी यूट्यूब पर काम करते हैं, वो जो वीडियो देख रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा कि कौन कौन सीतापुर से है। तो कहीं मत जाइए, बने लाइक करने से और फॉलो करने से कुछ चला नहीं जाएगा, कर देंगे हम लोग ही आगे बढ़ेंगे और आपके लिए ही अच्छा होगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे ब्लॉग चैनल पे। अगर जो आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन, और ऐसे ही छोटी मोटी ट्रिपें आप लोगों के साथ मैं शेयर करता रहूँगा। वैसे मोटिव तो मेरा एक डेली ब्लॉग का है, ताकि मैं अपनी लाइफ दिखा सकूँ कि डेली लाइफ में मैं क्या करता हूँ। और आप लोग भी वीडियो बनाना चालू कर दीजिए, क्योंकि ब्लॉगिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ही ज़्यादा आसान होती है, और इसी तरीके से लोग पैसे भी कमाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।